दोस्तों आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में आपको बताने वाले हैं जो केवल 14 साल की उम्र में ही गर्भवती हो चुकी है। और आपको ये जानकर और भी शौक लगेगा जब आपको इस अभिनेत्री के असली कुकर्मों का पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बॉलीवुड की जानी मानी और खूबसूरत अभिनेत्री रेखा का एक ऐसा राज खोलने वाले हैं जिसे जानकर आप भी शर्म से पानी पानी हो जाओगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी शरीफ सी दिखने वाली रेखा आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों माँ बनने का सपना तो हर लड़की का होता है, लेकिन अगर कोई लड़की शादी से पहले ही माँ बन जाती है तो वो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाती। हमारे भारतीय समाज में शादी से पहले माँ बनना एक तरह का अपराध माना जाता है, लेकिन हमारे भारतीय फिल्म जगत यानी कि बॉलीवुड में शादी से पहले माँ बनना और उसके बाद अबॉर्शन करवाना आम बात है। बॉलीवुड के कुछ अभिनेता और अभिनेत्रियाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है और आए दिन ये अभिनेत्रियाँ किसी न किसी हैंडसम अभिनेता के साथ मुँह काला करती रहती हैं और इसी चक्कर में ये कभी कभी प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। और जब इन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलता है तो ये समाज के डर से आनन फानन में अबॉर्शन करवा लेती हैं ताकि दुनिया को इनके कुकर्मों के बारे में पता न चल सके। दोस्तों जब भी बॉलीवुड अदाकाराओं की बात होती है तो हमेशा दिग्गज और खूबसूरत अभिनेत्री रेखा का नाम शीर्ष पर शुमार रहता है। रेखा को चाहने वालों की संख्या आज भी करोड़ों में है। अपनी खूबसूरती और अदाकारी से रेखा ने देश दुनिया के लाखों करोड़ों दिलों को धड़काया है। रेखा ने महज 14 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। दरअसल साल 1979 में एक फिल्म आई थी दो शिकारी। यह फिल्म पहले अनजाना सफर के नाम से बन रही थी, लेकिन साल 1969 में किसी विवाद के बाद इसे साल 1979 में रिलीज किया गया था। इस समय रेखा की उम्र महज 14 वर्ष थी। उन्होंने इस फिल्म में छोटी सी उम्र में ही बोल्ड सीन दिए थे और वे लगातार सुर्खियों में रही थी। इस फिल्म को निर्देशक कुलजीत पाल ने बनाया था जबकि इसके निर्माता भी वे ही थे। कुलजीत ने अपनी फिल्म के लिए महज 14 साल की रेखा को साइन किया और उनके इस फैसले की बहुत आलोचना भी हुई थी। 14 दिसंबर 1979 को प्रदर्शित हुई इस फिल्म में अहम रोल में रेखा के साथ विनोद खन्ना, अमजद खान और विश्वजीत चटर्जी थे। जानकारी के मुताबिक फिल्म की शूटिंग महबूब स्टूडियो में पूरी हुई थी। उस समय रेखा के रंग रूप के साथ ही उनकी उम्र और उनके वजन पर भी कई सवाल उठे थे, लेकिन निर्माता निर्देशक को भरोसा था कि रेखा पर्दे पर कमाल करने में कामयाब हो जाएंगी। एक दिन फिल्म की शूटिंग चल रही थी लेकिन रेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। दरअसल उस दिन रेखा और विश्वजीत के बीच एक रोमांटिक सीन को शूट किया जाना था। रेखा इस बात से वाकिफ थी कि उन्हें कौन सा सीन करना है क्योंकि मैं स्क्रिप्ट के साथ अपनी तैयारी पूरी कर चुकी थी, लेकिन मैं इस बात से बेखबर थी कि उनके साथ वो होने वाला है जो स्क्रिप्ट में लिखा ही नहीं था। कुलजीत के एक्शन कहते ही विश्वजीत ने रेखा को अपनी बाहों में भर लिया और वे रेखा को किस करने लगे। विश्वजीत लगातार रेखा के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। यह फिल्म के स्क्रिप्ट से बिल्कुल अलग सीन था। न विश्वजीत खुद को रोक पा रहे थे और न ही निर्देशक ने इस बीच उनसे कुछ कहा, जबकि रेखा इससे बिल्कुल सन्न रह गई थी। इस घटना ने रेखा को पूरी तरह से भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। लगातार 5 मिनट तक विश्वजीत रेखा को चोमते चाटते रहे। वहाँ मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे जबकि रेखा के साथ धोखा हो रहा था और उनकी आंखों में आंसू और गुस्सा था। बाद में अभिनेता विश्वजीत चटर्जी ने इस सीन को लेकर सफाई देते हुए पल्ला झाड़ लिया था। उन्होंने यह कहकर इस घटना से दूरी बना ली थी कि यह राजा नवाते का आइडिया था। उन्होंने अपनी गलती न मानते हुए कहा था कि मैं निर्देशक के कहने पर सिर्फ ऐसा किया था। वहीं अपने एक साक्षात्कार में निर्माता निर्देशक कुलजीत पाल ने भी इस घटना पर अपनी बात रखी। उन्होंने इस किसिंग सीन को लेकर कहा कि रेखा इस बारे में जानती थी और उन्होंने कहा था कि उन्हें किसिंग सीन देने में कोई आपत्ति नहीं है। दोस्तों बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त और सेक्सी अभिनेत्री रेखा के नाजायज संबंधों का एक ऐसा राज खुलकर सामने आ गया है जिसे सुनकर आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे
कि रेखा जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर इतना गंदा और शर्मनाक काम कर कैसे सकती है। बॉलीवुड की इस ठरकी जोड़ी के ये शर्मनाक राज खोलने से पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड में पिछले कई दशक से संजय दत्त एक्टिव हैं। इन दशकों में संजय दत्त ने कई सारी फिल्में की और कई विवादों में भी घिरे। वह जेल गए, ड्रग्स की लत से जूझे और इन सब से उबरकर नॉर्मल जिंदगी में वापस आए और एक बार फिर इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाने में कामयाब हुए। लेकिन एक समय था जब सुनील दत्त ने बेटे संजय दत्त के अफेयर की खबरों से तंग आकर बेटे को हिदायत दे डाली थी। बात है साल 1984 की, जब संजय दत्त और रेखा की जोड़ी पहली बार पर्दे पर जमीन आसमान फिल्म में नजर आई। जहां उस जमाने में रेखा सुपरहिट एक्ट्रेस का तमगा हासिल कर चुकी थी, तो वहीं संजय दत्त उभरते हुए कलाकार थे। उस दौरान संजय दत्त ड्रग्स की चुंगल में भी बुरी तरह से फंसे हुए थे। रेखा ने इसमें संजय दत्त की मदद करने का फैसला किया और संजू को बुरी लत से निकालना चाहती थी। इन सबके बीच में संजय दत्त और रेखा की अफेयर की खबरें भी चटकारे से मीडिया में छापी जा रही थी। रेखा और संजय दत्त की अफवाहें इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया कि दोनों ने गुपचुप शादी कर ली है। रेखा और संजय दत्त को लेकर तरह तरह के गॉसिप्स को सुनकर सुनील दत्त काफी परेशान हो गए थे। एक बार सुनील दत्त को इस मसले में कूदना पड़ा। कहा जाता है कि सुनील दत्त ने बेटे संजय दत्त और रेखा दोनों से बात की, वहीं रेखा ने कभी इन अफवाहों पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा, तो वहीं संजय दत्त ने एक बार इन अफवाहों पर जवाब भी दिया। रेखा संग अपने अफेयर की खबरों से तंग आकर खुद संजय दत्त ने उस दौरान ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था, जिसमें उन्होंने रेखा और अपने अफेयर की खबरों को अफवाह व झूठ बताया। फिर उसके बाद रेखा और संजय दत्त की नजदीकियों की खबरें बंद सी हो गई। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाली रेखा ही थी, जिन पर सबकी नजरें ठहर गई थी। रेखा का नाम जहां शुरू से ही अमिताभ बच्चन के साथ जुड़ता आ रहा था, उस दौरान अचानक संजय दत्त के साथ जुड़ने लगा था। इस शादी में रेखा की मांग में लगे सिंदूर को लेकर भी तरह तरह की खबरें आई। ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में रेखा की मांग में सिंदूर लगा नजर आया था। कुछ ने कहा कि ये सिंदूर संजय दत्त के नाम का है, तो कुछ ने कहा कि अमिताभ बच्चन के नाम का है। लेकिन खुद रेखा ने मांग में लगे सिंदूर की सच्चाई कुछ और ही बताई थी। रेखा ने बताया था कि उनकी मांग में सिंदूर किसी शादी के चलते नहीं लगाया गया है। उन्होंने कहा कि वह शूटिंग से सीधे वहां पहुंची थी और उन्होंने गेटअप चेंज नहीं किया। ऐसे में उनकी मांग में सिंदूर लगा रहा था। रेखा के अलावा संजय दत्त का इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित के साथ भी नाम जुड़ चुका है। दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बहुत तकड़े र्यूमर्स हुआ करते थे। इसके अलावा संजय दत्त का नाम टीना मुनीम, नादिया दुर्रानी, लीजा रे से लेकर तमाम हीरोइनों के साथ जुड़ा था। तो दोस्तों, संजय दत्त और रेखा के इन नाजायज संबंधों के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।